बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल लव ऑफ साइंस वकील खान। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 52 है 9th क्लास फिजिक्स का। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 3.11 तक, और हम 9th क्लास यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम 3.12 से ऑनवर्ड इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 3.12 हमारा क्वेश्चन है कि वाई इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इम्पोर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी अहमियत क्यों है? बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व, इट्स कंपोनेंट इन एनी डायरेक्शन विल ऑल्सो बी कंजर्व। क्योंकि मोमेंटम जो है ये कंजर्व क्वान्टिटी कंजर्व रहेगा, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे तमाम डायरेक्शन में वो भी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट इन द सोल्यूशन ऑफ द कोलिजन प्रॉब्लम। इसके अलावा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा है कोलिजन प्रॉब्लम में। जब आप टू बॉडीज़ या मैनी बॉडीज़ की कोलिजन को चेक करते हैं, तो ऐसे सिस्टम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके बाद स्टूडेंट के व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स, वाई कि जब एक गन को फायर किया जाता है तो वो रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ झटका खाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, कि जब एक बुलेट किसी भी गन से फायर की जाती है, द गन एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द बुलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो गन है, बुलेट जो है, जब वो गन से निकलती है तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करती है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दिस फोर्स इज़ कॉल्ड एज द एक्शन फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स। द बुलेट ऑल्सो एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बिल्कुल इसी तरह बुलेट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स एग्जर्ट करती है, किसके ऊपर, गन के ऊपर। देयर फॉर अ गन रिकॉइल व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। तो इसी वजह से गन जो है वो बैकवर्ड मूव करती है, रिकॉइल करती है जब बुलेट उसमें से फायर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब टू सिचुएशन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। आप इसको डिस्क्राइब करें, यानी ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करें कि जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत हो, ठीक है। तो ये पेज नंबर 43 पे नोट्स के हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये आपने वहाँ से चेक करना है। वहीं प्रीवियस लेक्चर्स को देखें या नोट्स जो हैं उनके पेज 43 को चेक करें कि वो कौन से लेक्चर में है, तो वहाँ से आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। हाउ डज़ ऑयलिंग द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन लो अ फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन को ऑयल करते हैं, यानी ऑयल्स लगाते हैं उनके पार्ट्स के दरमियान, ऑयलिंग करते हैं, तो वो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करता है। इफ यू पुट अ लिक्विड लाइक ऑयल बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, इट विल फिल अप द माइक्रोस्कोपिक बम्प्स बिटवीन देयर लेयर्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। तो जब आप एक लिक्विड, जिस तरह के एक ऑयल है, उसको मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन के दरमियान फिल अप करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक बम्प्स, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के गड़े होते हैं, ठीक है, उनको वो क्या कर देते हैं, फिल कर देता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। द लेयर विल स्लाइड फ्रीली पास्ट वन अनदर, सो हेल्पिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ईजिली स्लाइड करती हैं और फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये भी हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप लाजमी चेक करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द फॉलोइंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ब्रेकिंग फोर्स क्या है, स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स क्या है, सीट बेल्ट्स क्या है। तो टेंशन इन अ स्ट्रिंग, फॉर आंसर सी नोट्स अबाउट। हम टेंशन इन अ स्ट्रिंग भी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है, फोर्स जो थर्ड है हमारा इसका पार्ट, वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या फोर्स अप्लाई टू द बॉडी बाय द ग्राउंड, अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज इट टू स्लो डाउन और स्टॉप। तो एक ऐसी फोर्स जो कि कोई भी बॉडी जो है अप्लाई करती है, ग्राउंड जो किसी बॉडी पे अप्लाई करती है, या एक शख्स अप्लाई करता है, या एक ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है, तो जो उसको रोकता है, जो रोकने पे मजबूर करता है, उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग फोर्स। उसके बाद स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स क्या है कि द कॉल व्हीकल्स वुड स्किड इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नॉट सफिशेंट। तो कार और व्हीकल जो है वो स्किड करते हैं, यानी फिसलना रोड के ऊपर, ठीक है, वो उस वक्त करते हैं कि जब टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन काफ़ी ना हो, ठीक है, मूव करने के लिए। तो पर्टिकुलरली व्हेन द रोड आर वेट, ये उस वक्त होता है कि जब रोड्स वगैरह जो होती हैं वो गीली होती हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स, ठीक है।
अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट क्या होते हैं? अ सीट बेल्ट इज़ अ व्हीकल सेफ्टी डिवाइस डिजाइन टू सिक्योर द ड्राइवर और पैसेंजर ऑफ अ व्हीकल अगेंस्ट हार्मफुल मोमेंट्स दैट मे बी रिजल्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन और सडन स्टॉप। तो सीट बेल्ट जो होते हैं ये सेफ्टी डिवाइसेज होते हैं जो कि ड्राइवर या पैसेंजर यूज़ करता है जब वो गाड़ी में बैठते हैं। तो देखा होगा सीट बेल्ट जो एक पटासा होता है, ठीक है, तो उसको जो है ना बांधते हैं इस तरह, आप अपनी कमर के ज़रिए बैकवर्ड इस तरह बांधते हैं उसको। तो ये हार्मफुल मूवमेंट से आपको बचाता है ड्यूरिंग कोलिजन या सडन स्टॉप या एक्सीडेंट के दौरान। सो व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर? क्या होगा कि जब तमाम फ्रिक्शन अचानक से गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? तो ड्यू टू फ्रिक्शन द एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है हीट की शक्ल में। एज द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट विच अल्टीमेटली ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी गैस में जब फ्रिक्शन होती है, ठीक है, जब फ्रिक्शन होती है तो काइनेटिक एनर्जी गैस में हीट में कन्वर्ट होती है और अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है। लेकिन जब फ्रिक्शन को वैनिश कर दें, ख़त्म कर दें, पर्टिकुलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट कीप इट्स मूविंग सिंस देर इज़ नॉट एनी लॉस ऑफ मोमेंट, तो मोमेंटम सॉरी। तो अगर हम फ्रिक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा जब तक वो अपना मोमेंटम लॉस नहीं करेगा। तो जारी बात है मोमेंटम जो है वो तो भी लॉस होगा जब फ्रिक्शन की फोर्स होगी। वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड? स्पिनर वॉशिंग मशीन का उसको हाई स्पीड के ऊपर क्यों रन किया जाता है? तो वेन द स्पिनर स्पिन एट अ हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू दिस होल ड्यू टू द लैक ऑफ सेंटीपेटल फोर्स। चूँकि स्पिनर जो है वॉशिंग मशीन का वो सेंटीपेटल फोर्स के फिनोमेना पे काम करता है, तो जब इसको स्पिन किया जाता है हाई स्पीड पे तो जो वाटर होता है क्लॉथ के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कपड़े जो हैं वो सुखाए जाते हैं, उसके अंदर डाले जाते हैं, तो जो कपड़े हैं वो क्या होंगे दीवार के साथ आ जाते हैं जब स्पिन जो है स्पिनर जो है तेज़ी से स्पिन करता है, और जो उनके अंदर से जो स्पिनर के वॉल्स के साथ होल्स हैं उनमें से पानी जो है वो बाहर आ जाता है और इस तरह लैक ऑफ सेंटीपेटल फोर्स की वजह से कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या जो है ना व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर गिवन है नोट्स में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।